पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 के इनामी आरोपी को 6 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी ने 5 साल के बच्चे के साथ किया था अप्रकार्तिक कृत्य। इस वक्त की बड़ी खबर जिले के भौती थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार किया है। बता दें कि भौती थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे 5 साल के पुत्र के साथ पड़ोस के रहने वाले गुलाब केवट ने बिस्किट खिलाने के बहाने खेतों में ले जाकर अप्रकार्तिक कृत्य कर दिया है। जिसके बाद पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा ने अलग अलग थानों की कई टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। अपनी सूझबूझ से 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश कर दिया गया। आरोपी को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। इस मामले में आरोपी का अप्रकार्तिक कृत्य की धारा 377 506 सहित पॉक्सो एक्ट SEC एक्ट का मामला दर्ज किया है। सर, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये थाना भौती के अंतर्गत कल रात को एक मामला आया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काली FIR की वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हाल ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 10,000 का इनाम घोषित किया और श्रीमान के मार्गदर्शन में 4 टीमों को अलग अलग रवाना किया गया, जिसमें से एक टीम के द्वारा रात्रि 2:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने घंटे में गिरफ्तार हुआ है? ये 6 घंटे में हमने गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये पूरा मामला क्या? ये पूरा मामला इस प्रकार से है कि फरियादिया ने अपने बच्चे के साथ थाने आकर बताया कि शाम के समय आरोपी उसके मासूम बच्चे को बिस्कुट खिलाने का बहाना और लालच देकर अपने साथ ले गया और खेत में ले जाके उसके साथ अप्रकृतिक कृत्य किया। फिर बच्चा रोते हुए अपने घर आया, उसने अपनी माँ को बताया। फिर माँ और उसके पति, बच्चे के पिताजी, तीनों थाने पर आए, उन्होंने रिपोर्ट की और हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में FIR की और अगले 6 घंटे में ही हमने कड़ी मशक्कत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।